हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जे जे। तो आज हम आए हैं आपके सामने केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर, केवीएस की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ये जो जॉब है, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब कुछ नोटिफिकेशन निकल चुका है, क्योंकि ये जो जॉब है ये सब्सटीट्यूशन बेस्ड पे है, संविदा के आधार पर ये जॉब है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी निकल चुकी है इसके वेबसाइट पे, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें टीजीटी, पीजीटी और काउंसलर की पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसीज जो है आई हुई हैं। इसके लिए आपको कोई एग्जाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कोई भी एग्जाम नहीं देना है, ये सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको 25 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जो है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको 10 बजे तक वहां पे रहना है। इवन उनको 2 घंटा पहले ही पहुंचना है। जो भी यहाँ पे एड्रेस है, मैं बताऊंगी आपको कहाँ से आपको जाके एड्रेस मिलेगा, कहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उन्हें जो स्कूल है, जहाँ पे जो निर्धारित स्कूल बताया गया है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे 8 बजे ही पहुंच के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है स्कूल में जाकर, वहाँ पे ना अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके बाद वो आपको कुछ स्लिप देंगे, वो स्लिप रखना है। और साथ ही साथ, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट भी अटेस्टेड करवा कर लेके जाना है। जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसे अटेस्टेड करवा कर आपको लेकर जाना है। यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा पर यहाँ पर छूट दी गई हुई है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी छूट मिल रही है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्राइटेरिया बोला गया है, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है, और उसमें 50% चाहिए, और साथ ही साथ आप बीएड डिग्री जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इनका एक स्टार मार्क्स ये है कि आप सीटेड जो है बोथ पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। काउंसलर की जॉब के लिए इन्होंने सिर्फ बीए और बीएससी मांगा है। अगर आप ग्रेजुएट हो बीए और बीएससी से, तो आप काउंसलर के पोस्ट के लिए डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट लेकर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और आगे का प्रोसीजर वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपका जो बेस्ड है इंटरव्यू पे, यहाँ कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, बस आपके इंटरव्यू पे बेस्ड पे ही यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो ये रिक्रूटमेंट जो आई हुई है पानगढ़ की, और इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वो मैं बोलने जा रही हूँ, आप पेन और पेंसिल जो भी है आप ले लीजिए, वो है panagarh.kvs.ac.in, मीन्स pangarh.kvs.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाके आपको ये केंद्रीय विद्यालय टीचर रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है, ये आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ज्यादा जानकारी के लिए, एग्जैक्ट एड्रेस के लिए। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी जो है वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।